स्कूल से लौटी शिक्षिका ने कमरे के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है। दरअसल त्योंथर निवासी मोनिका कचेर रविवार की शाम घर में आत्मघाती कदम उठाया है। वह कस्बे में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका थी और रविवार को नववर्ष पर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। वहां से लौटने के बाद कमरे के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को घटना की जानकारी शाम को हुई तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो कमरे में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिससे इस आत्मघाती कदम के कारण सामने नहीं आ सके हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका की बहन और परिजनों ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं। विक्रांत सिंह चौहान, पिता का नाम धीरेन्द्र सिंह चौहान, ये नए वर्ष के उसने उसको बुलाया था, वो नहीं गई। वो वहाँ सरस्वती ज्ञान मंदिर पढ़ाती थी तो कही कि हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। तो उसने घर पे गया, उसको मारा पीटा। लखनलाल के लिए मैं लड़की का भाई हूँ। घटना ये ऐसी घटित हुई कि इस लड़के का मतलब लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला था। काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था और जो है मतलब कि हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़का जो है उसको शादी का झांसा देके हर तरह से मतलब वो कर देता था, प्रताड़ित करता था और उसकी मतलब वीडियो फ़ोटो जो भी है हमेशा धमकी देता रहता था कि तू अगर मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं जो है ये वायरल कर दूँ। हमेशा मेरे पास उसकी अभी भी 2018 की रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैंने उसको इतना समझाया लड़के को, लेकिन वो नहीं मानी। वो हमेशा मेरे घर पे हर दो महीने तीन महीने में हमेशा कलेश होता था, हमेशा वो ऐसी कलेश करता था। मैं सो रही थी और मैं सो रही थी अचानक मेरी नींद खुली तो वो लोग झगड़ा कर रहे थे। कौन कौन? वो विक्रांत सिंह और मोनिका बचे दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो मैं उससे बोली कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे मम्मी पापा के बिना तुम मेरे घर में कैसे घुसा है? तो बोला, गाली देकर बोला कि अपनी बहन को संभाल ले। मैं बोली कि ये सब क्या हो, तुम मेरे घर से निकलो। तो मुझे धक्का दिया। कितने बजे घटना है? साढ़े तीन बजे। तीन बजे फोन लगा। जो मृतका मोनिका कचेर है और इनके पिता श्री लाखनलाल कचेर हैं, उम्र 21 साल, जो वार्ड नंबर 7 की निवासी थी, ये कल करीब शाम को 7 बजे के आसपास पीएम के लिए लाया गया था, लेकिन अत्यधिक रात होने के कारण पीएम नहीं हो सका। आज सुबह पीएम करके पीएम कंप्लीट करके परिजनों को गाड़ी सौंप दी गई है और जो भी हमारी फाइंडिंग हैं उसके बेस पर हम 2-3 दिन में पीएम रिपोर्ट पर थाना चौकी सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।